रहमान रहीम यूट्यूब चैनल लाइफ इन इस्लामाबाद से तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं फेस के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। फेस को क्लीन करने के लिए रेमेडी है, चेहरा को खूबसूरत बनाने के लिए हर किस्म की इलाज इसी में शामिल है। दो चीज़ों से मैं इन रेमेडी को तैयार करूँगी, दूध और किन्नू का छिलका। छिलकों को बारीक काट कर खुश्क कर लीजिए, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लें और पाउडर बना लें बिल्कुल मैदे की तरह। जब मैदे की तरह बन जाए तो आप उसको किसी जार में सेव कर लें ताकि वो कई सालों तक आपके साथ पड़ा रहे और बुखार बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह आप जैसी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको इस्तेमाल करते रहोगे। तो चलो मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैंने बता तो दिया कि छिलका कैसे आपने पाउडर बनाना है, अब मैं बताती हूँ कि वो वाला ये वाला छिलका है जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं बताऊंगी तरीका कि मैं इसका कैसे क्लीनर बना रही हूँ फेस के लिए। पहले आपने 2 चम्मच दूध का लेना है, यानी कच्चा दूध। कच्चा दूध चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। और 1 चम्मच इसमें मैं जो छिलका मैंने पीस के रखा हुआ है वो 1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। ये इसी तरह पाउडर बन जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसका कलर भी जब ये खुशक हो जाता है तो इसका कलर इसी तरह हो जाता है। तो बिस्मिल्लाह रखना शुरू करती हूँ। 1 चम्मच इसमें आपने ऐड कर देना है, ऐसे इसका कलर बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। बिल्कुल फैन पाउडर बनाना है, ये ज़बरदस्त रेमेडी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने अपने घर में बनाया है, लेकिन पंसारी की दुकान से भी मिल जाता है। अगर अपना घर का बना ले तो वो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि ये अब घर की चीज़ें जो तैयार होती हैं वो तसल्ली बख्श होती हैं, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने तैयार हो जाता है पाउडर। बाज़ार वाले का पता नहीं होता कि इसमें कोई चीज़ ऐसी ना मिक्स हो गई हो, क्योंकि हमने फेस के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो ये देखिए इसी तरह क्लीनर ये बन गया है बिल्कुल। ये इस बारीक बारीक बनाना है, क्योंकि हमने इसको चेहरे के ऊपर मसाज करना है 2-3 मिनट, फिर हमने चेहरा धो लेना है। उस वक्त हमारा चेहरा जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये ऐसी रेमेडी है कि इसमें हर चीज़, हर चेहरे की जो भी मसला होता है वो इसमें हल हो जाएगा। आपने दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, सुबह भी करें शाम को करें, इसको चेहरे पर मलें और धोलें फेस वाश से छुटकारा हासिल करने के लिए। फेस वाश इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसको आपने ऐसे हाथों के साथ ऐसे मल लेना है, ये बिल्कुल क्लीनर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें हाथों भी लगा सकते हो, पाँव में भी लगा सकते हो क्लीन करने के लिए। अभी मैं तुम्हें आपको रिजल्ट बताती हूँ मलने के बाद। अब इसी तरह मलते जाओगे, अच्छा फौरी इसमें निकार आ जाती है चेहरे पे, हाथों पे भी पाँव पे जिधर भी लगा लें, बॉडी जिस हिस्से में भी लगा लें ना। तो देखिए इसका रिजल्ट अभी मैं आपको बताती हूँ कितना इसका रिजल्ट, 100% रिजल्ट है इसका। अब देखो मैंने अभी एक मिनट नहीं हुआ तो अब देखो स्किन मेरी चेंज होती जा रही है। देखो देखो अब इसी तरह कर लें, 5 मिनट कर लें, जितने भी ज़्यादा कर लो उतने ही आपका चेहरा फ्रेश रहेगा। देखो कितना साफ हो जाता है, बिल्कुल चेहरा जो है ना क्लीन हो जाएगा। तो आपने दिन में 2 दफ़ा इसको यूज़ करना है, सुबह शाम बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसी तरह पाउडर बिल्कुल बना के रख लें, ये साल तक पड़ा, जितना भी पुराना हो जाए ना इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट हो जाता है, क्योंकि जितना ये पुराना पड़ा होता है पाउडर, ये पूरा मेरा 1 साल का पड़ा हुआ है। मैंने पूरा जार बनाया था तो मैं यूज़ इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने सर्दियों में निकाल दिया, अब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कहा अपनी बहनों के साथ भी शेयर कर लूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि जिसके चेहरा बहुत ड्राई हो तो उनके लिए अरके गुलाब और ग्लिसरीन दोनों मिक्स करें, 1 चम्मच ग्लिसरीन का और 1 चम्मच अरके गुलाब का, दोनों को मिक्स करें। और जिसका ज़्यादा, मेरे बहनों का जो चेहरा ड्राई हो रहा है सर्दियों में, तो वो ये इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो चलो मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, मेरे चैनल का लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।